अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज ये आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड पे आपको चारों तरफ वीडियोस में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हिपा ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है, ओपन कॉलेज पार्क। तो ओपन कॉलेज पार्क बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो गरीब और जो यतीम बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और इसमें पैरामेडिकल की एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, आईटी के हवाले से एजुकेशन है, बट इनिशियली हम फोकस कर रहे हैं पैरामेडिकल की एजुकेशन को, जिसमें ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, इस तरह के कई कोर्सेज हैं जो वन ईयर के ड्यूरेशन पे हम करवा रहे हैं। और फिर ये एक साल का जो कोर्स होता है उसके करने के बाद ये कि कायद अजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे बच्चे की इंटर्नशिप होती है, और आफ्टर सक्सेसफुल इंटर्नशिप वो जॉब भी उसकी हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे ट्रस्ट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका हमने अभी तरनौल में या इस्लामाबाद में स्टार्ट लिया है। और इसके साथ ही जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है एक्सीलेंस फिजियोथेरेपी, एक्सीलेंस फिजियोथेरेपी का जो सेंटर है वो भी इसी जगह बनेगा, एक दो माता के इंशाल्लाह। और एक्सीलेंस फिजियोथेरेपी में बेसिकली जो गरीब मरीज हैं उनका लकवा, फालिज, स्ट्रोक और जितनी ये चीज़ें हैं जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी इंशाल्लाह, और उनके लिए ट्रीटमेंट जारी रहेगा। एज यू नो कि आजकल के दौर में फिजियोथेरेपी के हवाले से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक महंगा ट्रीटमेंट है, और अगर एक आम पेशेंट खुदा ना खास्ता उसको फालिज हो जाए और वो मिडिल तबके से बिलोंग रखता हो तो 2000 रुपया पर डे उसके लिए पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रस्ट बनाया गया था आज से 2-3 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप सब लोगों से इल्तमास है दुआओं की कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इस नेक प्रोजेक्ट में। इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो हम इन फ्यूचर डे बाई डे आपको देते रहेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। सुजाकर इस वक्त हम आपको मिलवाते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिपा ट्रस्ट के, उनके साथ के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम बेसिकली जो हैं बड़े एक कैजुअल मूड में बैठे हैं, कुछ प्लानिंग से चल रही है, ठीक है। सैटरडे संडे डॉक्टर इमरान साहब जो हैं वो थोड़े से ईजी होते हैं, तो डॉक्टर इमरान के साथ हमारी प्लानिंग्स के हवाले से डिस्कशन होती हैं। तो हमारा ये कॉलेज जिस तरह के डॉक्टर इमरान साहब ने आपको बताया इस वीडियो में, ओपन कॉलेज पार्क, इसको हमने स्टार्ट किया तकरीबन लास्ट 2 ईयर्स से, हम इसको रन अप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोरोना की वजह से, कुछ मामला की वजह से इसको हमने थोड़ा अर्से के लिए क्लोज़ किया, और अब दोबारा एक इनिशिएट कर रहे हैं। दोबारा इंशाल्लाह एक ऐसे एरिया को हमने चूज़ किया है, तरनौल के एरिया को। यहाँ प्रॉब्लम तरनौल के एरिया में ये चल रही थी कि लोगों को एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो हमने एक इनिशियली स्टेज पे एक बहुत छोटी सी कावश करके अपने तय, अभी तक हमारे पास डोनेशन में कोई नहीं है, डोनर कोई नहीं है हमारा, हम पर्सनली मैं डॉक्टर इमरान या हमारे कुछ दोस्त हैं हमारे साथ मिलके हम इस कॉलेज को रन कर रहे हैं। इसमें यह है कि 1 ईयर के जो है डिप्लोमा कोर्सेज अभी हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें नर्सिंग, डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर क्लासेस संडे के संडे बाकायदा तौर पे हमने स्टार्ट कर दी हैं। हर संडे को फिजिकल क्लास जो है वो यहाँ होती है, स्टूडेंट्स आते हैं, जैसा कि आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी यहाँ का दिखा दिया होगा डॉक्टर इमरान साहब ने, तो उसमें ये हमारी कोशिश ये है कि हम उन स्टूडेंट्स को लेके चलें जो स्टूडेंट्स बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो लोग जो है अब तक एजुकेशन उनके पास है लेकिन स्किल के ऊपर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो विल ट्राई कि इंशाल्लाह बेहतर हो।